हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज का जो वीडियो है वो है एक हेल्दी स्किन के रूटीन के बारे में. एंड आई एम गोइंग टू शेयर टुडे कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो फॉर गेटिंग अ नाइस हेल्दी ग्लोई एंड रेडिएंट स्किन. सो या, इफ यू वांट टू सी व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट दीज बेनिफिट्स फॉर योर फेस, प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग. तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन जो नीचे की तरफ है, और ये बिल्कुल फ्री है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो आज का जो वीडियो है वो है एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन के बारे में. बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जो आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे कि आप ये लगाओ तो ये गोरे हो जाओगे, ये लगाओ तो ये गोरे हो जाओगे. बट नहीं, आपको गोरे नहीं होना है. यू हैव टू गेट अ हेल्दी ग्लोई स्किन. और मैं कुछ एक आधा महीने से कुछ चीजें ट्राई कर रही हूं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा है कि माय स्किन हैज बिकम अ लिटिल बिट मोर नेचुरल एंड मोर रेडिएंट देन बिफोर. तो आई वाज थिंकिंग ऑफ शेयरिंग माय रूटीन टू यू ऑल, एंड दिस इज अ रूटीन व्हिच यू हैव टू फॉलो एवरी डे. और अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी आपको ये रूटीन जरूर सजेस्ट करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो जो सबसे पहली चीज आपको फॉलो करनी है रेगुलरली वो है क्लेंजिंग ऑफ योर फेस. और क्लेंजिंग आपको ट्वाइस करना चाहिए, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में बिफोर गोइंग टू द बेड. तो जो हमें क्लेंजर चूज करना है उसके लिए हमें यह ध्यान देना है कि वो बहुत ही माइल्ड क्लेंजर होना चाहिए, उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए, वो नेचुरल हो, दैट इज मच बेटर. तो मेरी सलाह ये होगी कि आप ऐसे क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें जो बहुत ज्यादा सोपी और झाग नहीं देते हैं, बिकॉज दे गिव यू द फोम बट दे डू नॉट गिव बेनिफिट टू योर स्किन. तो हमें ऐसे क्लेंजर का इस्तेमाल करना है जो बहुत लाइट हो, माइल्ड हो हमारे फेस के लिए, प्लस उसको वॉश करने के बाद हमारी स्किन जो है वो ड्राई फील ना हो. तो आई हैव फ्यू ऑप्शंस जो मैं रेगुलरली यूज कर रही हूँ और आई शो इट टू यू. तो जो मेरा पहला ऑप्शन आपके लिए क्लेंजर में है वो है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश. तो ये जो है ये काफी बड़ा बॉटल है, आप इसका छोटा ट्यूब भी ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं. दिस वॉज फॉर 150 ml. और इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 150 rupees. एंड ये ऑफर में था, आई गॉट इट फ्रॉम अ मॉल. तो 150 rupees में मुझे 2 मिला था, बाय वन गेट वन फ्री था. तो जो सेकेंड सजेशन मैं आपको दूंगी वो है क्रीमी एक्सफोलिएटिंग रिंस फ्रॉम काया स्किन क्लिनिक. ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, तो आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट. तो इसके बाद मैंने हिमालय का यूज करना शुरू किया है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द माइल्ड क्लेंजर्स. तो ये बहुत ज्यादा सोपी फील नहीं कराता है, तो आप जब इसको वॉश आउट भी कर देते हैं तो आपका फेस जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा लगता है जिससे आपने मक्खन लगाया अपने चेहरे पे. तो जब भी आप सुबह उठते हैं आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है एक माइल्ड क्लेंजर से, एंड उसके बाद शाम में भी जब आप अपने जॉब से, वर्कआउट से या कहीं से भी आते हैं तो आपको सोने से पहले अपने फेस को अच्छे तरह से क्लीन करना है, जिससे कि जितना भी मेकअप आपने लगाया है या जितना भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन आपके चेहरे पे जम गया है वो रिमूव हो सके. तो दैट इज अ गुड थिंग. तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम जो भी क्लेंजर चूज करें वो आपके स्किन के मॉइस्चर को पूरी तरीके से रिमूव ना कर सके, ना ही ऑयल को पूरी तरह से रिमूव कर सके. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप आफ्टर क्लेंजिंग इज टोनिंग. टोनिंग बहुत जरूरी होता है हमारे फेस के लिए. अगर आप एक हेल्दी स्किन चाहते हैं तो टोनिंग आपको करना ही है. जिनको भी बिग पोर्स की प्रॉब्लम है, जिनके फेस पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोर्स हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, आप मेकअप करते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो ओपन पोर्स दिखाई देते हैं, या जिसकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप स्किन टोनर्स अवेलेबल है मार्केट में. आप चूज कर सकते हैं, ट्राई गोइंग विद नेचुरल टोनर्स. तो नेचुरल टोनर्स में मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी वो सबसे पहला तो मेरा सजेशन जो है आपके लिए वो है बायोटीक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर. आई हैव फ्यू पोर्स जो मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ट्रीट करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसका पोर टाइटनिंग टोनर यूज कर रही हूँ. एंड इसमें कुकुम्बर है, तो खीरा हमारे फेस के लिए टोनर का बहुत अच्छा काम करता है. ये हमारे फेशियल जो स्किन होती है उसको टाइट करता है, रिंकल्स को पड़ने नहीं देता. तो अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा. और कोई भी चीज हमें एक दिन में रिजल्ट नहीं देने वाली है, तो आपको रेगुलरली नियम के साथ इसे इस्तेमाल करना है, तभी आप अपने स्किन पे इसका कोई सही रिजल्ट देख पाएंगे. तो सेकेंड जो ऑप्शन मेरी तरफ से आपके लिए है वो वंस अगेन फ्रॉम काया है. ये भी एक पोर टाइटनिंग और पोर मिनिमाइजर टोनर है जिसको मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से लिया था. और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस भी टोनर का इस्तेमाल करें उसमें एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. अगर आप एल्कोहल वाला टोनर यूज करेंगे तो वो आपके स्किन को
बेनिफिट देने के बजाय हार्म ही पहुंचाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी टोनर को लीजिए तो उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक कीजिए कि कहीं उसमें किसी भी तरह का एल्कोहल तो नहीं मिक्स है। अगर ऐसा है तो इग्नोर बाइंग दैट। इसके अलावा आई गॉट वन टोनर फ्रॉम ब्लिंक बॉक्स जो फूशिया की तरफ से था। इट इज हाइड्रेटिंग फेशियल टोनर एंड इसमें लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है, तो आई जस्ट लव इट। तो आई विल शो यू कि इसे कैसे यूज करना है। तो दिस कम्स इन स्प्रे बॉटल, तो आपको बस इसके इसका जस्ट क्विक शार लेना है एंड इट स्मेल्स बहुत अच्छा स्मेल करता है एंड आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ लैवेंडर। तो ये मुझे बहुत पसंद है और ऐसे टोनर्स के साथ अच्छा ये होता है कि आपको यूज करने के लिए कॉटन की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट स्प्रे अ लिटिल बिट ऑन योर फेस और यू आर डन। तो टोनर को यूज करने का तरीका है कि आप थोड़ा सा कॉटन लें, उसमें अपने टोनर को लगाएं और अपने फेस पे वाइप ऑफ कर दें एंड आपको उसको जब तक वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है तब तक आपको अगले स्टेप पे नहीं बढ़ना है। लेट इट गेट एब्जॉर्ब इन योर स्किन ताकि आपकी स्किन को उसके बेनिफिट्स मिल सके, उसके ही आप थर्ड स्टेप पे मूव कीजिए। अगर इन केस आपको कोई भी टोनर आपके बजट रेंज में नहीं मिलता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर गुलाब जल। दिस इज द बेस्ट टोनर। आप खरीद भी सकते हैं मार्केट से और आप बना भी सकते हैं रोज वाटर को और आप उसका रेगुलर यूज कर सकते हैं एज अ स्किन टोनर। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड चॉइसेस। आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारा टोनिंग का स्टेप। आफ्टर दिस हमारा थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजेशन का। तो यू हैव टू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। आपको एक ऐसे मॉइस्चराइजर का यूज करना है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करे, जो आपके स्किन के मॉइस्चर को ना खत्म होने दे एंड साथ साथ सॉफ्ट एंड सपल बनाए। एंड उसके अलावा उसमें कुछ और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे वो आपके स्किन को डेली यूज करने से रेडियंट बना सकता है, हाइपरपिगमेंटेशन को रिमूव कर सकता है एंड सो मेनी थिंग्स। तो अभी जो मैं मॉइस्चराइजर्स यूज कर रही हूँ फॉर माई फेस वो है गार्नियर की तरफ से। वन इज डे क्रीम। तो ये जो डे क्रीम है वो है गार्नियर का स्किन नेचुरल्स लाइट कंप्लीट व्हाइट स्पीड फेयरनेस सीरम क्रीम। तो ये मैं 10-12 दिन से ऊपर हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए एंड आई कुड लिटरली फील द चेंज इन माय स्किन टेक्सचर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस आई यूज आफ्टर क्लेंजिंग एंड टोनिंग इन द मॉर्निंग टाइम एंड दिस वन इज फॉर नाइट टाइम। तो ये है योगर्ट नाइट क्रीम एंड दिस मॉइस्चराइजर आई यूज बिफोर गोइंग टू माई बेड। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, मे बी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कोई और चीज सूट करती हो। अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एलोवेरा जेल। आइदर आप प्योर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें या आपको ऐसे पतंजलि एलोवेरा जेल जैसे बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट में, बहुत अफोर्डेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप जो है क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन ये आपको डेली करना है, डेली करना है। एंड वन मोर स्टेप विच यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर, अगर आप दिन में जॉब करने वाले हैं, अगर आप बाहर जाना होता है डेली आपको, तो क्लेंजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजेशन के बाद आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, वो है एक अच्छे से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। एंड द सनस्क्रीन विच आई एम यूजिंग दीज डेज इज फ्रॉम लोटस। तो ये लोटस का 3-in-1 मैट लुक सनस्क्रीन है और इसमें SPF 40 है और ये आपके स्किन को हार्मफुल UVA और UVB रेस से बचाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू गो आउट इन द सन बिफोर 30 मिनट्स लीविंग द होम, आपको ये काम करना ही करना है। एंड इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारे स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करना, बट हमें उन्हें डेली नहीं रिमूव करना है, हमें वीक में 2-3 बारी इस्तेमाल करना है इस स्टेप को एंड दैट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो डेली डेड सेल्स को रिमूव करती है और अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो वो डेड स्किन रिमूव नहीं हो पाती है, वो आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उसमें डिपॉजिट होती जाती है और इससे आपका जो फेशियल ऑयल होता है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, फिर एक्ने प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके फेस को एक्सफोलिएट करना इज मस्ट। तो मेरी तरफ से अगर आप डेली जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, सन धूप मिट्टी पॉल्यूशन कहीं पे भी जाते हैं, तो आपके फेस को कम से कम 3 बारी आपको एक्सफोलिएट करना है इन अ वीक। तो आप टाइम निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से और अपने फेस को एक्सफोलिएट कीजिए। फेशियल एक्सफोलिएटर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा ग्रैन्यूल्स ना हो जिनमें, जिससे कि जब आप एक्सफोलिएट करें अपने स्किन को तो वो बहुत ज्यादा हार्श फील हो। आपको ऐसे एक्सफोलिएटर को चूज करना है जिससे आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो सके, मॉइस्चराइज हो सके। तो मेरी तरफ से जो मैं आपको सजेशन दूंगी
दूंगी वो है बायोटीक का बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज अ स्क्रब जिसको आप पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्क्रब. और इसके अलावा आप हिमालय का भी नीम स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल अलॉन्ग विद कि इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट है तो आपके फेस के लिए नीम बहुत हेल्दी होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सजेशंस. इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स हैं जैसे एवर यूथ का बहुत सस्ता पड़ता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं. आई हैव यूज दिस. बट जो इसमें वॉलनट के स्क्रब्स हैं उसके जो पीसेज हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो जब आप स्क्रबिंग करते हैं अपने फेस पे तो आपको पता चलता है कि यू आर रबिंग समथिंग वेरी हार्ड ऑन योर स्किन. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसका यूज ना करें अगर आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है तो. एंड नेक्स्ट चॉइस इज लोटस वन. तो आप लोटस वाले का ट्राई कर सकते हैं. तो आई हैव ट्राइड दिस वन ऑल्सो, दिस ऑल्सो वर्क्स गुड. तो आप लोटस स्क्रब का भी यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द चॉइसेस जो इसके अलावा भी मार्केट में अवेलेबल है. एंड लास्टली विच यू हैव टू डू इज गिविंग अ फेस ट्रीटमेंट. तो फेस ट्रीटमेंट के लिए आप किसी भी तरीके का फेस पैक बना सकते हैं, चाहे आप बेसन का फेस पैक बनाएं या फिर कोई भी घर पे होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको एक अच्छा सा फेस पैक चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप बायोटीक का ही व्हाइटनिंग एंड डी पिगमेंटेशन फेस पैक ट्राई कीजिए. बायोटीक के मैं बार बार क्यों सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज दे आर सो अफोर्डेबल एंड ऑल द कंटेंट्स जो भी इनके अंदर मिले होते हैं वो सारे हर्बल होते हैं तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम माय साइड. एंड इसके अलावा इस तरह के भी कुछ होम रेमेडी टाइप के फेस पैक्स आने लगे हैं जो फेस पैक नहीं शीट मास्क के नाम से जाने जाते हैं. आप इनका भी यूज कर सकते हैं फॉर गिविंग अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन. तो आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं. जैसे ये एक एलोवेरा का द फेस शॉप की तरफ से फेस मास्क है, शीट मास्क है. एंड एक और शीट मास्क है मेरे पास जो है वो होम रेमेडी शीट मास्क जो एग वाइट और लेमन से बना हुआ है. तो लेमन और एग वाइट, एग वाइट आपके पोर की टाइटनिंग करता है यानी आपके फेशियल जो रिंकल्स होते हैं उसको रिमूव करता है. तो दीज काइंड ऑफ शीट मास्क भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं आपके स्किन के लिए. तो या गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. और अगर आपको बायोटीक प्रोडक्ट्स के बारे में अलग से रिव्यू चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, आई विल लव टू डू दैट. एंड येस, डू नॉट फर्गेट टू शेयर योर व्यूज ऑन दिस वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई लव टू हियर दैट. एंड येस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. और अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. तो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लविंग. Bye.